हमारे बिरादरी का, हमारे जाट समाज का जो अपमान संसद के बाहर इस गठबंधन ने जो अंडिया पंडिया क्या है यू बगंडिया इस संगठन ने जो हमारा अपमान किया है वो बर्दाश्त नहीं है हमको। हम महाराजा सूरजमल की औलाद हैं, हम लोगों ने लाल किले के किवाड़ तार कर भरतपुर में लगा रखे, हम हुए हैं। क्या लगता है आपको कि विपक्षी वास की एक यही मुद्दा रह गया कि किसी की जो है संविधान का भी ख्याल नहीं है, देश का ख्याल नहीं है और तमाम चीज़ें जो है एक व्यक्तिगत विरोध में जो है किसी का भी जो है अपमान कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष के पास मुद्दा कोई नहीं है, आप ये मान लो मुद्दा तो कोई नहीं है। इस देश के अंदर दो पार्टी हैं, मोदी और विरोधी, इसके अलावा राजनीति भी कुछ नहीं है। और इन लोगों ने, हम लोगों ने किसी का ऐसे कोई वो साथ नहीं दिया, ना तो मोदी का ना विरोधी का, लेकिन अपनी अपनी कोई राजनीतिक बात होंगी वो थोड़ी सी अलग होती हैं। लेकिन हमारे बिरादरी का, हमारे जाट समाज का जो अपमान संसद के बाहर, अंदर नहीं संसद के बाहर इस गठबंधन ने जो अंडिया पंडिया क्या है यू बगंडिया इस संगठन ने जो हमारा अपमान किया है वो बर्दाश्त नहीं है हमको। हम महाराजा सूरजमल की औलाद हैं, हम लोगों ने लाल किले के किवाड़ तार कर भरतपुर में लगा रखे, हम हुए हैं। हम एक ब्राह्मण की लड़की ने सूरजमल के यहाँ आवाज लगाई थी कि मेरे साथ बहुत मुगलों ने अन्याय किया है दिल्ली के अंदर, हमने उसका उस अपमान का बदला, उस हिंदू समाज का बदला उस मुगल से लिया है। और रही हमारी बात, जाट को कौन गिनता है? कोई नहीं। लेकिन हमारे ऊपर राज भी कोई नहीं कर सका। आज तक देश का इतिहास कहता है इस भरतपुर को ना तो अंग्रेज ना मुगल कभी अपने अंदर नहीं रख सके, हमारा राज एक छत्र रहा है, समझे? और हम JAT जस्टिस एक्टिव और ट्रूथ, कभी जो है सनातन का विरोध करते हैं, कभी जो है जाति का विरोध करते हैं, कभी संविधान, कम से कम यही कहा, जब मैंने यही कहा ना, पार्टी कोई नहीं है, ना उद्देश्य, ना इनका कोई वो आपका मुद्दा, इनका कुछ नहीं है। इन लोगों ने तो अगड़ फगड़ जो करना है, पार्टी भी दो ही रहनी है, मोदी विरोधी और कुछ नहीं है इसके अलावा। और बस वही है उनको कि मोदी को रोक तो सकते नहीं, विरोध करो, झूठा सूचा अपमान करो उनका। अब जब गठबंधन का जो है मीटिंग में फाइनल हो गया है कि मोदी जी को टक्कर जो है अब जो है खड़गे देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है मोदी जी को टक्कर देंगे, तो क्या लगता है? देखिए, नहीं, हम ये नहीं कहते, वो देश है, बहुत बड़ा देश है, 1.5 अरब की आबादी है, कोई भी टक्कर दे सकता है, ठीक है, अगर उसकी विचारधारा हो तो वो मोदी जी को टक्कर दो, लेकिन मेरे विचार से मोदी की विचारधारा को टक्कर देने वाला नहीं है कोई। जो जिस आदमी का इतना बड़ा सम्मान दुनिया के अंदर होता, दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छूते हों जिसके, वो आदमी एक विवेकानंद हुआ, एक मोदी हुआ। भाई साहब, जो लोग युवा को परेशान बताते ना, उन लोगों ने परेशानी देखी नहीं। अरे हम तो इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, हम तो यहाँ परेशान होने वाले तो हैं ही नहीं। आपने तो कई सरकारें देखी हैं लगातार जो है, आज़ादी के बाद जो है सब तमाम जो है, आप कांग्रेस को भी आपने सपोर्ट किया होगा, कितना परिवर्तन पा रहे हैं आप इस? सन 1967 तक मैंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, 1967 में हमारी विचारधारा कांग्रेस से तालमेल नहीं खाई, क्योंकि इन लोगों ने अपना अपना मतलब हल किया है, हमारे समाज का या हमारे किसान का या हमारे देश के आदमी का कोई मतलब हल नहीं किया। अपने प्रधानमंत्री पद को बनाए रखने के लिए इन्होंने देश बेच दिया, दूसरे के हाथ में दे दिया। एक बात बताओ, जिस देश का बंटवारा हो चुका, हमारी आबादी जब हम आज़ाद हुए 35 करोड़ थे, 35 करोड़ में 5 करोड़ एक अल्पसंख्यक थे और बाकी 28 करोड़ दूसरे लोग थे। उनका जब हिस्सा बंटवारा हो गया, उसकी जमीन उनको दे दी और उनके जो संपत्ति थी देश की बांट करके दे दी, उनका अब यहाँ क्या हक है? नहीं बताओ, हक है बताओ।
यही तो ये बात कर रहे हैं कि देखिए हमने सबसे ज़्यादा शासन किया है, हमें शासन करना आता है। ये बीजेपी वाले जो है केवल हिंदू मुस्लिम और तुष्टिकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। हमें जो है ये बात जरूर है बाबूजी, ये आपके मैं चैनल को बताना चाहता हूँ, ये बात तो जरूरी है कि एक जगह नकटे बैठे थे और जब दूसरे लोग आ रहे थे दूसरी तरफ से, वो बोले भाई हमको आते ही नकटा कहेंगे। नकटा का मतलब समझ सकते हो आप, इज्जत नहीं होती जिसको। बोला ठीक है आने दो, एक उनमें से बोला। जब वो नज़दीक लगे बोले नाकू आ गए, नाकू आ गए, नाकू। ये इनका काम तो वो है, ये खुद नकटे हैं, दूसरे को नाकू बताने लगे। आज ये कहते हैं कि मोदी जी लगातार जो है विदेश यात्रा कर रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद करते हैं, केवल अनाप शनाप बातें जो है यहाँ आताना शाह मचा देते हैं। और जिस तरह से जो है ये राहुल गांधी विदेशी मंच में यही कहते हैं। और मैं बताऊँ, आपने सब भारत के धर्म की, किसी हिंदू की मुसलमान की नहीं है, ये भारत के धर्म की बात है। आ भाई एक मिनट बाबू जी सुनकर जाइए, जिन लोगों ने इस देश के अंदर गलत किया है उसको समाज ने नहीं, उसने भी दंड दिया है। इस परिवार में सिंदूर नहीं लग सकता। ये बहुत बढ़िया। और बता दो हो लग गया हो तो, प्रियंका जी कहती है कि लड़की हो लड़की कहीं की लंका। ओ बम्बे बात छोड़ो, मैं बता ना कितने सिंदूर हैं इस घर में, अपनी मौत कौन मरा हमारे समाज में, गांव में, देहात में। देखिए एक जात की बात नहीं कह रहा, हमारा गांव देहात समाज है, यूँ कहते हैं जी इसमें ये अपनी मौत भी ना मरे आदमी, वो परिवार है, वो घर है। राहुल गांधी देखो कितना दिखाते हैं अपने को, कई गोत्रों का नाम लेते हैं कि उस गोत्र से हैं, जिंदू पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। इसके कई गोत्र जब वहाँ, मैं भी देख रहा था टीवी पे, जब गुजरात में वो जनेऊ पहन के उल्टा काक के तले को इधर को पहन के बैठा ना कोट के ऊपर को, मैं भी देख रहा था जब गोत्र पूछा तो वो ऐसे देख रहा था। बाप उसका फारसी, माँ ईसाइन, वो हिंदू कहाँ से आ जाएगा, कहीं से पेड़ से आवेगा हिंदू उतर के। जवाहरलाल का दादा कौन था? हाँ जी, जवाहरलाल का दादा कौन था, मोतीलाल का बाप कौन था, ये समस्या है। अब ये, बस यही समझ लो, अभी तो ये पचा नहीं पा रहा जो ऑटो को। अब ये कहते हैं कि देखिए, वो कहते हैं कि अगर बात बताऊं, आप लोग भी अपनी कीमत नहीं जानते, आप लोग उसके साथ हो लेते हो जो तुम्हें ले के गांव में और दिल्ली में बेच दे। हम उसके साथ तो होंगे भाई, देखो सुनो ठीक है, मैं ये नहीं कहता, आज आप गांव में आवाज वही है, ज्यादा बहुमत आप लोगों का उधर ही है। अब फर्क पड़ गया हो तो कहते नहीं। अच्छा सुनिए, सनातन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री अगर पूजा करते हैं, लोकार्पण करते हैं, मंदिरों का जो है उद्घाटन करते हैं, वे कहते हैं ये केवल जो है ये भगवान को भी अपना ही बना रहे हैं, कि भगवान हमारे भी हैं। कांग्रेस कहती है ये लगातार यही जो है बार बार यही कहती है। जब कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस के लीडर ने ये कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है इस संसार में, इतिहास में कहीं कोई अस्तित्व राम का नहीं है, तो राम इनका कहाँ तक हो गया। जब खुद कहते हैं कि माँ उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो जो लंका के और हिंदुस्तान के बीच में पुल है, सेतु, राम सेतु, उसका कोई अस्तित्व, उसकी भी बाई काट करी, जबकि विदेशों ने भी वो ऊपर से फोटो खींच करके बताया कि ये है, और उसको भी नाट गए। इनका एक वकील है मतलब लूटगर, ये कपिल सिब्बल, मेरे थोड़े भाई 80 साल के हो गए, बूढ़ा, थोड़ा फर्क पड़ता है, नाम नहीं लिया जाता। कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि राम मंदिर की बाबत तो सुनाई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो इनका यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ होगी, ये भारत है। जब भारत में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? और ये सुनो, ये कहते हैं कि हमने ताला खुलवाया था जो है राम मंदिर का अयोध्या में, हमने सबसे शुरुआत करी है, और ये जो है कैश कर रहे हैं, ये इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये जो है टेंट में रखवा दिया इन लोगों ने, रामलला टेंट में रहे इतने दिन तो इन लोगों की खातिर, अन्यथा रामलला का मंदिर तो बहुत पहले बन गया होता। अब तक क्यों नहीं आ गया डिसीजन जो आ रहे हैं, जो जो कोर्ट फैसला दे रही है, आखिर में जो है सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं दिया नहीं फैसले ठीक ही आ रहे हैं। देखा आहिस्ता आज से पहले, देखो आज से पहले
500 साल से लटका पड़ा मामला और आजादी के बाद लगातार इसमें जो है सुलह हो जाने की केवल चाहिए थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से बिल्कुल अदालतों में भी काम सही, ये नहीं कि कोई उसमें भाईबंदी या पार्टनरशिप और कुछ हो रहा है। ये कह रहा है कांग्रेस, कह रही है कि इसमें मोदी का क्या क्या है, वो सबको कोर्ट कर रही है। नहीं 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 सुनो ना, पहले कोर्ट ने क्यों नहीं कर दिया, आज से पहले कोर्ट ने क्यों नहीं कर दिया, कोर्ट में जाने नहीं दिया। कोर्ट में जाकर कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट में ये मुकदमा सुनना ही नहीं चाहिए, तो फिर कोर्ट में कैसे चला जाएगा। लगातार जिस तरह से अब बने रहे, लगातार जिस तरह से ये विरोध करते करते जो है संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उन लोगों की जो है मजाक उड़ाया जाता है, इतना बड़ा जो है पूरे सड़क पे जो है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है सनातन का कहीं जो है, आपने देखा रामचरितमानस धर्म तो पहले से ही है, सनातन धर्म तो जब से सतयुग था, सनातन जब से सृष्टि चली आई है, सनातन धर्म तो जब सतयुग था, जब राम था, राजा दशरथ था, उससे पहले देवा संग्राम हुआ, राजा सागर था, जब से सनातन है। सनातन का मतलब है सच, सच का मतलब है सच्चाई, जो आज तक सच्चाई पे रहता है वो उसे कहते हैं सनातन, सनातन धर्म उसे कहते हैं सनातन। जैसे गुरु गोबिंद सिंह सनातन पे रहे, उसे कहते हैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल का मतलब है सातों जन्म एक दूसरे से मिलना, सात जन्म का मतलब होता है कि अगर मोदी जी अगर जो है पूजा करते हैं, मोदी जी मंदिर की बात करते हैं, तो यहाँ पर विपक्षी जो है कभी रामचरितमानस को जो है गलत कह देते हैं, बंद करने की बात करते हैं, उसमें जो है अलायंस होता है, गठबंधन है, उनमें ना कांग्रेस बोलती है ना कोई बोलता है, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस तरह से गलत टिप्पणियाँ उन उनके पास बोलने के लिए भाई साहब है ही क्या, ये वह टिप्पणी गलती करनी जानते हैं, सही तो उनके पास है नहीं, कहेंगे भी क्या, जब मेरे पास कोई बात ना हो तो मैं आपको क्या बताऊंगा। 2024 में मोदी को बाहर करने की सारी जो है जुगत हो रही है, कल भी मीटिंग बैठी, चौथी मीटिंग बैठी थी उनकी, मल्लिकार्जुन खड़गे को बोला कि सब लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी को टक्कर देंगे, तो क्या लगता है कि मोदी जी को जबरदस्त टक्कर देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? ऐसा जी, मोदी जी के जो खिलाफ है वो तो दूसरे ये खद्दरदारी है ना, बाकी जो हिंदुस्तान के लोग तो उनके साथ ही हैं, बाहर के मुल्क के भी मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ तो सारे बाहर के मुल्क के आदमी लगा लो, जितने लोग हैं सब मोदी जी के साथ हैं, जो खद्दरदारी है, जो सफ़ेद पोश वाले हैं जो है वही तो मोदी जी का विरोध करते हैं ना, जिनके हाथ लूट नहीं लगती, जो पहले से जिनके हाथ डकैती नहीं लगती, मोदी जी के ऊपर आरोप लगा के दिखाओ ना, मोदी तैयार खड़ा, कोर्ट में ले जाओ ना मेरे खिलाफ। कितने सीटें दे रहे हैं इस बार जो है 2000? अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखिए हम राजनीति का भविष्य तो कुछ कोई नहीं कह सकता क्या होता है, अब ये एक रेत की दीवार होती है, इधर उधर होने में कोई ओ नहीं लगता, कई बार हुई है मेरे सामने, तो मैं तो 1952 के इलेक्शन से जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग ही आपस में सिर फुटबॉल करके मर जाएंगे और मोदी जी आराम से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करेंगे। फिर इस बार 300 पार होगा, इस बार फिर 300 पार। हाँ जी ठीक है, वो सही बता रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गठबंधन इतना नहीं है। अरे एक बात बताओ, जो बागपत्र मुजफ्फरनगर नहीं ले सके वो अब और क्या लेंगे, वो क्या लेंगे।